और क्योंकि इनके बाद कहना कुछ नहीं है, 11 महीने हो गए सरकार लगभग और कुछ गवर्नेंस नहीं है। सब लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है, किसी गांव में चले जाओ लोग हमारी सरकारी योजनाओं को लोग याद कर रहे हैं। ये तो आपके मैं कह रहा हूँ, किसी गांव में चले जाओ उसका मतलब क्या है। तो इनको चाहिए कि हमारी योजना बंद करें, स्वास्थ्य योजना थी चिरंजीव कमजोर कर दिया, अन्नपूर्णा किट बंद कर दिया, पेंशन टाइम पर आ नहीं रही है, बच्चों को स्कूल से नहीं मिल पा रही है, तो सब क्षेत्रों में भिखारी काम रुक गए। कॉलेज की बिल्डिंग, तहसील बिल्डिंग, एक माहौल बन गया था विकास का, वो ठप हो गया। तो इनको चाहिए कि सब काम छोड़ के गुड गवर्नेंस पर ध्यान दें, उससे जनता का भला होगा। मैंने कहा सरकार की तरह सरकार है, मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए मैंने कहा इनकी आंखें खुले, अच्छी शासन दे तो उसका भला पब्लिक को मिलेगा। डेमोक्रेसी है, सरकार बदलती रहती, मान लो झूठ बोल बोल के सरकार लेके आ गए, 5 लाख दिए हिंदू को, 50 दे दिए मुसलमान को, इससे बड़ा सफेद झूठ को हो सकता है क्या? तो आप सोच सकते हो कितने झूठ बोलने वाले लोग हैं, पर सरकार बन गई अब इनकी। तो मैं चाहूँगा वो अच्छी सरकार दे, सुशासन दे, जनता का भला करे। सर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस वाले जो परिवारवाद का नाम लेकर, परिवारवाद यहाँ आपके दोस्तों में तो जीता जागता है।